ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharstudy.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.. नमस्कार, आप देख रहे हैं IGCG न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। गया के पूर्व सांसद और बिहार के जन जन के नेता आदरणीय पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पूरे बिहार में जन अधिकार युवा परिषद के द्वारा जल सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत गया मानपुर का सीताकुंड फल्गु नदी में जल सत्याग्रह के अवसर पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि लगातार सेवा की दार की रिहाई को लेकर अधिकार पत्र पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रही है और बिहार की गूंगी बहरी सरकार के कानों में जून तक नहीं रेंग रही। इतना ही नहीं, लोकतंत्र पर हमला है यह। सरकार इस महामारी में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पप्पू यादव को कारागृह में डालने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर एम्बुलेंस मामले में दोषी भाजपा सांसद के ऊपर कार्रवाई ना होना यह साफ दर्शाता है कि सरकार की नाकामी के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाएंगे उन्हें जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। तानाशाह सरकार को जन अधिकार पार्टी चेतावनी देती है कि अगर अविलंब पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया और एम्बुलेंस प्रकरण में दोषी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी पूरे बिहार में आंदोलन को तेज करेगी और तमाम युवा सड़क पर आएंगे। गया से बिप्लव कुमार की रिपोर्ट। संसद ने पूरे बिहार प्रदेश के तमाम जिला में जल सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से बिहार के जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय पप्पू यादव की रिहाई को लेकर हम लोग आज तमाम जगहों पर जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब सरकार उस सेवादार को छोड़ने का काम करे। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार की नाकामियों को आदरणीय पप्पू यादव ने उजागर करने का काम किया था, इसी के आक्रोश में सरकार ने उनको जंजीर में बांधने का काम किया है। मित्रों, अगर बिहार में लॉकडाउन नहीं रहती तो आज बिहार में जनाधिकार पार्टी पूरी तरह से सड़क पर रहता। हम भी नहीं चाहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में हम बवंडर कायम करें बिहार में। मित्रों, तमाम लोकतंत्र के आंदोलन के माध्यम से, लोकतंत्र में आंदोलन के माध्यम से आज हम लोग इस जल सत्याग्रह के माध्यम से मांग करने आए हैं। आज हम लोग गया जी के इस फल्गु में आज हम लोग हैं और यहाँ से जल सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि अविलंब आदरणीय पप्पू यादव को रिहा करो और एम्बुलेंस चोर भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी को अविलंब सरकार गिरफ्तार करे, नहीं तो इस लॉकडाउन के बाद पूरे बिहार प्रदेश में जनाधिकार पार्टी, युवा परिषद, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता सड़क पर आकर इस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मानपुर में घटना हो जी, मानपुर में लगातार घटनाएं होते जा रही है सुशासन की सरकार में, क्या पूरी तरह से अपराध तंत्र काबिज हो चुका है मित्रों, जिसका परिणाम है कि आज गया के मानपुर में दिन के उजाले में जिस तरह से मासूमों के ऊपर गोलियां चलाई गई, ये बड़ा ही सुशासन के नाम पर धब्बा है। मित्रों, लगातार जनवरी माह से लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से मानपुर का ग्राफ बढ़ा है, इस पर बड़े प्राधिकारियों का संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन दिन प्रतिदिन संज्ञान न लेना और अपराधी को, जो बेलगाम अपराधी हैं, उनको पुलिस के गिरफ्त में नहीं आना अपराध के मनोबल को बढ़ाता है, जिसका परिणाम है कि आज दिन के 10 बजे आज गोलियों से लगभग 4-5 व्यक्तियों को शिकार बनाया गया। इसलिए आज हम लोग जनाधिकार पार्टी मांग करती है कि अविलंब जो लोग दिन के उजाले में जो गोलियों चलाने का काम किए उनको गिरफ्तार करे और अविलंब प्रशासन वहां के बुनियादगंज थाना प्रभारी पर कार्रवाई करे। जो नींद में सोई हुई प्रशासन मानपुर की है उसको अविलंब सरकार जगाए, नहीं तो जनाधिकार पार्टी सड़क पर उतरकर इस गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ जुझारू आंदोलन चलाने का काम करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी